सर्व पाप प्रणाशिनी नमस्कार मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 40वीं कड़ी में आपका स्वागत है मित्रों इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर के उत्खनन में प्रकाश में आए त्रिदेव मंदिर का अवलोकन किया आज की इस कड़ी में हम सिरपुर के प्राचीन बाजार क्षेत्र में स्थित बौद्ध विहार का अवलोकन करेंगे तो आइए आरंभ करते हैं सिरपुर के प्राचीन बाजार क्षेत्र के ईशान्य कोण में स्थित है एक अत्यंत प्राचीन बौद्ध विहार महोदय अरुण कुमार शर्मा जी के निर्देशन में सिरपुर में हुए उत्खनन में यह विहार प्रकाश में आया इस पश्चिमाभिमुखी विहार में अर्धमंडप आंगन आंगन के दोनों ओर तीन तीन कक्ष व पाँच गर्भगृह स्थित हैं सिरपुर के अन्य भवनों की भांति ही इसकी भित्तियां भी इष्टिका निर्मित एवं तीन फुट से अधिक चौड़ी हैं उत्खनन से प्राप्त कुछ शिल्प खंडों को प्रवेश द्वार पर सुसज्जित कर दिया गया है यथा यह कुछ प्राचीन प्रतिमाएं इसके ऊपर एक मिथुन प्रतिमा का दृश्य इसके ऊपर भी एक मिथुन दृश्य अंकित है दूसरी ओर की द्वार शाखा में द्युत क्रीडा का दृश्य है व उसके ऊपर औगुम्फित सर्प प्रदर्शित किए गए हैं सर्पों के शरीर एवं मुख मानवाकार हैं जिनके पीछे सर्प फण दर्शाए गए हैं अर्धमंडप में प्रवेश करने पर हमारे दोनों ओर हमें दो आले दिखाई देते हैं इनमें से एक की तरफ एक प्रतिमा खंड दिखाई देता है देखने में तो यह प्रतिमा खंड अत्यधिक सुंदर है किंतु खंडित है यहाँ एक पुरुष दर्शाया गया है उसके कंधे पर एक स्त्री के दो हाथ दिखाई दे रहे हैं एक कोने में मयूर है एवं ऊपर अवगुम्फित सर्प के भाग हैं अर्थात यह द्वार शाखा का भाग था वैसे यहाँ देवी हारिति की प्रतिमा होनी चाहिए थी परंतु मूल प्रतिमा न मिल पाने के कारण इस वास्तुखंड को यहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा स्थापित कर दिया गया होगा इसके विपरीत आले में जाम्भल की यह प्रतिमा स्थापित है जो अत्यधिक क्षरित अवस्था में है भीतर प्रवेश करने पर मध्य में एक आंगन है एवं उसके दोनों ओर तीन तीन कक्ष निर्मित हैं प्रस्तर निर्मित आंगन के दोनों ओर आठ स्तंभों के अवशेष दिखाई देते हैं अन्य विहारों की भांति ही इस विहार में भी जल निकासी का मार्ग ईशान्य कोण में ही निर्मित है उत्तरतम गर्भगृह में बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा स्थापित है अन्य विहारों से प्राप्त प्रतिमाओं की तरह यह प्रतिमा भी भूमि स्पर्श मुद्रा में थी परंतु हस्तभाग खंडित हो चुका है पार्श्व के गर्भगृह में द्वार शाखा के कुछ भाग शेष हैं परंतु वे अत्यंत क्षरित हैं कुछ गर्भगृहों के ऊपर सिरदल के अवशेष भी हमें दिखाई देते हैं इनमें निश्चय ही उत्कृष्ट अलंकरण था परंतु वर्तमान समय में ये भग्न प्राय हो चुके हैं उत्तरी ओर से द्वितीय क्रम के गर्भगृह में बोधिसत्व की यह प्रतिमा स्थापित है जो खंडित थी परंतु बाद में जोड़ दी गई है दक्षिणतम गर्भगृह में भी इसी प्रकार की एक प्रतिमा स्थापित है मैं प्रशंसा करता हूँ संरक्षणकर्ताओं का जिन्होंने इतने टुकड़ों में टूटी हुई प्रतिमा को भी ठीक ढंग से जोड़ दिया है दक्षिणी ओर से द्वितीय गर्भगृह में बोधिसत्व पद्म की एक खंडित प्रतिमा स्थापित है प्रतिमा में कटी से ऊपर का भाग ही प्राप्त है इनकी मुद्रा से इन्हें पहचाना जा सकता है मुख्य गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पार्श्व में यह एक देव प्रतिमा है जो अपने अनुचरों सहित यहाँ खड़े हैं अधिकांश भाग खंडित है मुख्य गर्भगृह के दूसरी ओर भी इसी प्रकार की एक प्रतिमा है जो कटी से ऊपर खंडित है मुख्य गर्भगृह में बुद्ध की एक ध्यान मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा है सिरपुर में जितनी भी बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वे प्रायः भूमि स्पर्श मुद्रा में हैं केवल यही एक प्रतिमा है जो ध्यान मुद्रा में है इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने सिरपुर के प्राचीन बाजार क्षेत्र में स्थित बौद्ध विहार का अवलोकन किया आगामी चलचित्र में हम बाजार क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्थित प्राचीन चामुंडा मंदिर के दर्शन करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद